व्हाट डज डेटा साइंटिस्ट डू, ये जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो आखिर करते क्या है, इनका काम क्या होता है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इस हाईटेक दुनिया में बहुत सारा डाटा प्रोड्यूस होता है और खपत भी होता है, ये तो बात सही है, बहुत सारा डाटा इधर से उधर होता रहता है। इस डाटा को कलेक्ट करना, फिर इस डाटा में से कम से काम का डाटा निकालना, और फिर इस डाटा को सही काम में इस्तेमाल करना, और डाटा को मैनेज करना, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये काम होता है डाटा साइंटिस्ट का। समझ में आ गया ना, इतने सारे काम होते हैं, इसके अलावा और भी कुछ काम होते हैं डाटा साइंटिस्ट के, इसके अलावा और भी कुछ काम है, जैसे कि डेटा का एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब आप सोच रहे हो कि क्या एनालिसिस करना, कौन सा डाटा सही है भाई, कौन सा डाटा गलत है, और उसके अलावा आपने जो कुछ भी वहां पे अपलोड किया है वो कहां कहां जाकर के अपलोड हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ एनालिटिक्स में आता है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चराइजेशन, डाटा का जो स्ट्रक्चर होता है उसको किस तरीके से सेट करना, यानी कि हम तो क्या है अपना तो डाटा, यानी कि हमें अपनी प्रोफाइल बनानी है, हमने तो बना दी अपनी प्रोफाइल, लेकिन वो डाटा को सिस्टमैटिकली वे में जो है किस तरीके से वहां पे सेव किया जा सके, जिससे कि अगर भविष्य में उसको निकाला जाए किसी भी बात को लेकर के, कोई भी कहानी बनती बिगड़ती है, कोई क्राइम हो जाता है, तो उस डाटा को आसानी से निकाला जा सके, तो इसका काम भी डेटा साइंटिस्ट ही करते हैं। उसके बाद डेटा एल्गोरिदम, ये एक सबसे बड़ी चीज होती है एल्गोरिदम, क्योंकि एल्गोरिदम से ही बहुत सारे जो हमारे फोटोज वीडियोज जो होती है ये पूरी दुनिया में रन करती है, ये पूरी दुनिया में जो है ट्रैफिक लेके आती है। एल्गोरिदम अगर इसमें सेट नहीं किया जाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता है। तो एल्गोरिदम को जो है किस तरीके से सेट किया जाए, यूट्यूब के अंदर भी एक एल्गोरिदम होता है जिसपे हमारी वीडियो जो है ट्रैकिंग में, हमारी वीडियो जो रैंकिंग में आ जाती है। हो सकता है कि आप किसी की वीडियो देख रहे हो लेकिन आपके सामने कोई दूसरी वीडियो आ जाती है, तो ये एल्गोरिदम का ही काम होता है। उसके बाद डाटा प्रोसेस, डाटा को किस तरीके से प्रोसेस में लेके आना है, डाटा किस तरीके से काम करेगा, डाटा किस तरीके से रिसीव किया जाएगा, किस तरीके से सेंड किया जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। डेटा प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग मतलब किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाए डेटा की, जिससे कि आसानी से रिसीव हो जाए, सेंड हो जाए, और डेटा स्टोर हो जाए, और कोई भी डेटा इधर से उधर ना जा पाए, है ना। तो इन सभी चीजों की जो जानकारी होती है इन्हीं को करने के लिए हमें डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा एक काम और होता है डाटा सॉल्विंग, बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, और बहुत सारे डाटा जो है कहीं फंस जाता है, तो इस डाटा को सॉल्व करने के लिए भी इन्हीं सभी जो है डाटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है। उसके बाद है डाटा नॉलेज, जो डाटा की भरपूर नॉलेज रखते हैं, जो डाटा की भरपूर नॉलेज रखते हैं, और डाटा को आने वाले टाइम में अपग्रेड भी किया जाता है, अपडेट भी किया जाता है, बहुत सारे काम होते हैं टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और ये बदलती रहती है, और जिस तरीके से ये दुनिया बदल रही है उस तरीके से हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी को हमेशा बदलते रहना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जो नॉलेज जो व्यक्ति रखते हैं, ठीक है, उनको ही डेटा साइंटिस्ट कहते हैं, और ये इनका सबसे बेहतरीन काम होता है। अगर आपको भी डेटा वैज्ञानिक बनना है तो इन पांच चीजों की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। देखिए आने वाले टाइम में जो है बहुत सारे करियर जो है हो सकता है कि हमें ना मिले, जो आज की डेट में जिस चीज के लिए, जिस नौकरी के पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो है हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, तो मैं एक सजेशन ये दूंगा कि आप उनको डेटा साइंटिस्ट के बारे में आप जरूर जानकारी दें, ताकि वो टेक्नोलॉजी से भरी हुई दुनिया में इसकी इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक ले सकें। तो पांच चीजों की जरूरत होती है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, पांच चीजों की जरूरत होती है अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है। वैसे तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है लेकिन मैंने पांच ही चीजें इसके अंदर ली हैं। सबसे पहली चीज है पाइथन कोडिंग। ये क्या होता है, यह कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, इसे मतलब ये एक लैंग्वेज का नाम है, कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम है। कंप्यूटर सिर्फ कोडिंग की भाषा ही समझता है, यह भाषा डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और वेब स्क्रैम्पिंग के मॉडल को डेवलप करने में हेल्प करती है। मशीन लर्निंग का नाम बार बार आता है हमारे इस ऑन पैसिव के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बार बार नाम आता है, तो ये एक पाइथन कोडिंग की एक बहुत बड़ी एक व्यवस्था होती है, इसके अंदर पाइथन कोडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नंबर टू, आर प्रोग्रामिंग, यह एक प्रोग्राम होता है जिसे डाटा एनालिसिस के लिए बनाया जाता है। मैंने क्या बताया था कि डाटा एनालिसिस भी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद तीसरी जो चीज है वो है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग की जानकारी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, टाइम सीरीज, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड आउटलेयर डिटेक्शन। यानी कि जो मशीन लर्निंग होती है, आप क्या समझते हैं कि जो ऑन पैसे बन रही है ये बिना मशीन लर्निंग के बन जाएगी?
कभी भी नहीं बन सकती। इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी कोडिंग्स की जरूरत पड़ती है, और ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूं ये सब कोडिंग्स ही है। एक चीज जो सबसे बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो थी हडूप प्लेटफॉर्म। जी हाँ, हडूप प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है, जब भी डाटा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि भाई हर एक चीज की एक लिमिट होती है कि मेरे पास अगर मोबाइल फोन है उसकी मेमोरी है 256 GB, और जिस दिन उसके अंदर 256 GB क्रॉस कर जाएगी फिर आप क्या करोगे, आपको दूसरे स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो हडूप प्लेटफॉर्म क्या काम करता है, जब भी डाटा की मात्रा अधिक होती है तो यह सिस्टम की मेमोरी को पार कर सकता है। हडूप प्लेटफॉर्म डाटा साइंटिस्ट को शेष डाटा को दूसरे सर्वर को भेजने के लिए, दूसरे सर्वर में भेजने में या ट्रांसफर करने में मदद करता है। ये एक सबसे अच्छी चीज होती है, तभी लोग जो है अपने एक डाटा सेंटर को बनाते हैं, फिर दूसरे डाटा सेंटर को बनाते हैं, फिर तीसरे डाटा सेंटर को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक डाटा सेंटर जो है भर जाता है, उसके बाद वो दूसरे डाटा सेंटर में डाटा जो है ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, फिर जब वो भी भर जाता है फिर तीसरा डाटा सेंटर जो है उसमें डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमारा एक डाटा सेंटर बन गया है, इसलिए हमारे एस मुफारसा ने बताया था कि हमारा दूसरा डाटा सेंटर भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमें बताया कि ट्रैफिक कितनी तेजी से यहाँ पे आने वाला है, तो एक डाटा सेंटर काम करने वाला नहीं है। इसका काम होता है डाटा को फिल्टर करना, डाटा की सैम्पलिंग करना, शॉर्टिंग करना और एक्सप्लोरेशन करना, ये काम होता है हडूप प्लेटफॉर्म का, और बहुत अच्छी चीज है। और जो इससे भी ज्यादा बढ़िया चीज मुझे लगी, जो पांच चीजों में से एक चीज ये थी, वो थी SQL। SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये क्या होता है, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है, यह डाटा को जोड़ने घटाने निकालने यानी कि डिलीट करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो कोई भी अगर हमारा जो टाइटल होता है अगर वो गलत लिख जाता है तो हम YouTube स्टूडियो में जाकर के उसको एडिट कर लेते हैं, कुछ बेकार की चीजें होती हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं, थंबनेल हमारा अगर गलत लगा है तो हम उसको दोबारा से हम उस पर चिपका देते हैं, दूसरा अगर हमारे डिस्क्रिप्शन में कोई भी चीज अगर गलत उसमें हम लिख गई है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं, कभी आप कमेंट करते हैं तो कमेंट आप डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें एडिट भी कर सकते हैं। तो ये काम कौन करता है, ये करता है SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसके अलावा डाटा बेस कम्युनिकेशन, डाटा एक्सेस और डाटा को मैनेज करने में बहुत बड़ी हेल्प भी करती है। भाई डाटा को कम्युनिकेट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और डाटा को एक्सेस करना ये भी बहुत जरूरी है, और डाटा को मैनेज करके रखना ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। डेटा साइंटिस्ट को SQL में स्किल्ड होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। भाई साहब यही तो सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपने एक बार डाटा भेज दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी, अब पता चला कि उसमें हमारा टाइटल ही गलत हो गया है, हमारा उसमें जो टाइटल की स्पेलिंग ही गलत हो गई है, जो भी हमने लिखा हुआ है अब हम उसको सही कैसे करें, तो इसमें इसका सबसे बड़ा रोल होता है। इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाती है कि हम कभी भी आधी रात को भी उठें तो हम अपना टाइटल चेंज कर सकें, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकें, हम अपना थंबनेल भी चेंज कर सकें। यह विशेष रूप से कॉम्पैक्ट कमांड के माध्यम से डिजाइन किया गया है। कॉम्पैक्ट कमांड के माध्यम से, एंड स्पेशली टाइम बचाने और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस की प्रोग्रामिंग की मात्रा को कम करने में इस कॉम्पैक्ट कमांड का यूज किया जाता है। यानी कि बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं उसको भी उस काम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ज्यादा जो बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग होती है उस काम में भी इसका यूज किया जाता है, और सिर्फ टाइम बहुत ज्यादा बचता है। तो दोस्तों ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट था, डेटा साइंटिस्ट के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, तो ये जो पांचवा पॉइंट था ना SQL, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं अब ये वीडियो बना रहा हूं, मैंने अपलोड कर दी अपने यूट्यूब के ऊपर, अब पता चला कि इसमें जो है टाइटल का स्पेलिंग ही गलत होगी, जो इसमें मैं डाल रहा हूं कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द डेटा साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट की स्पेलिंग ही गलत हो गई और मैंने इसको अपलोड भी कर दिया, अब मैं इसको चेंज कैसे करूं, तो इसमें डिलीट करना, एडिट करना, निकालना, जोड़ना, घटाना, ये सारे की सारी जो चीजें होती हैं ये SQL ही काम करता है। इसमें सबसे ज्यादा पारंगत की जरूरत होती है डेटा साइंटिस्ट को। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनको कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उनको कितने ज्यादा चुनौतियों से जो गुजरना पड़ता है, और कितनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद जाकर के उनको डेटा साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है, और यहाँ पे उनको एक जॉब मिलती है और अच्छी खासी उनको सैलरी भी मिलती है। मुझे नहीं पता कि कितनी सैलरी मिलती है, वो आप जाकर के इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी एनालिसिस आज डेटा के बारे में, डेटा सेंटर के बारे में, डेटा साइंटिस्ट के बारे में, और द वर्क फॉर द डेटा साइंटिस्ट, और डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल थी आप सब लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको भी कोई नई वीडियो अगर बनवानी है, कोई भी टॉपिक आ, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर इन इट टू विन इट।